गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स और विनेगर विनेगर कैसे बनाना है विनेगर जो वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड है दैट इज़ विनेजर दैट मीन्स सॉर वाइन जो वाइन है जब वो खट्टी हो गई है उसे हम बोलते हैं विनेगर सो विनेगर जो है ये हमें टाइप ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है जैसे राइस विनेगर है जो पान में मिलता है और शुगर विनेगर जो है वो इंडिया में सो देयर आर मेनी मेनली टू स्टेप्स इन विनेगर प्रोडक्शन एक तो है फर्स्ट स्टेज में क्या है शुगर कन्वर्ट करेगी इथेनॉल को एनारोबिकली ठीक है फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा यीस्ट कन्वर्ट करेगा शुगर को इथेनॉल में एनारोबिकली आई रिपीट फर्स्ट स्टेप में सर्वेसी ने किसको कन्वर्ट करना है शुगर को किस में आ, किस में कन्वर्ट करना है इथेनॉल में और प्रोसेस क्या होगी एनारोबिक सो वाइल इन द सेकेंड स्टेप की होगा इथेनॉल जो है अब जो इथेनॉल बन गई है उसको हमने ऑक्सीडाइज करना है किस में एस्टिक एसिड में सो so, एस्टिक एसिड का जो स्वाद होता है इस जो खट्टा होता है ना जैसे तो ए यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस है जो ये एरोबिकली है नॉट एनारोबिकली सो जो एरोबिक अल्कोहल को एस्टिक एसिड में किसने कन्वर्ट करना ना एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर में तो इसको हम बोलते हैं एसिड बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिक एसिड को दैट इज़ द एस्टिफिकेशन सो ग्राम नेगेटिव कैटलिस्ड पॉजिटिव ऑक्सीडिज नेगेटिव एंड स्ट्रिक्टली एनारोबिक एसिटोबैक्टर स्पीशीज आर बेटर एसिड प्रोड्यूसर एंड कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्रीज सो हम असीटोबैक्टर uh, की और ग्लूकोनोबैक्टर को यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एस्टिक एसिड में एस्टिक एसिड बेसिकली इज द विनेगर सो विनेगर जो है वो अल्कोहलिक फॉमेंटेशन प्रोडक्ट है सो एस्टिक एसिड अगर ज़्यादा प्रेजेंट हो तो इट इज़ अ विनेगर सो सैक्रोमाइसी इसकी वैरायटी कौन सी है लिप्साइडस लिप्साइडस ने क्या करना है शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देना है और एस्टोवेक्टर ग्लूकोनोवेक्टर ने इथेनॉल को एस्टिक एसिड में तो सबस्ट्रेट हमने क्या लेना है किससे बना सकते हैं हम विनेगर किस में मार्केट में किस किस से आता है जैसे फ्रूट जूस ले सकते हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स ले सकते हैं माल्टेड सीरियल्स ले सकते हैं बारले राइस व्हीट कॉर्न केन मलासिस हनी अल्कोहल जो एप्पल सीडर भी आता है जैसे जो एप्पल से भी हम फ्रूट से भी बना सकते हैं जैसे एप्पल जूस हो गया विनेगर जो है उसको हम साइ सीडर विनेगर भी बोलते हैं ठीक है और आ, आ, एली जो है देन इट इज़ कॉल्ड द एलीगर इस, इसी सिमिलरली मोल्टेड ग्रेन जो है उससे भी हम जो है विनेगर बना सकते हैं मेथड के मेथड जो है देयर आर टू मेथड एक है स्लो और लेट होम प्रोसेस दूसरा कौन सा है क्विक और फ्रेंच प्रोसेस अब जो स्लो प्रोसेस है इसमें हमने क्या करना है इन द स्लो प्रोसेस जो अल्कोहलिक लिक्विड है इट नॉट अलाउड टू मूव ड्यूरिंग एसडिफिकेशन एंड फर्मेंटेड यूज और माल्ट लिक्विड आर यूज टू बी यूज फॉर एस्टिकसड प्रोडक्शन मतलब जो हमने अल्कोहल लिक्विड जो है सब्सट्रेट है उसको हमने हिलाना नहीं है अगर नहीं हिलाएंगे तो क्या होएगा एनारोबिक कंडीशंस रहेंगी ना एनारोबिक कंडीशंस जो हैं रहेंगी और उसमें क्या होएगी एस्टिफिकेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा जूस जो है वो फर्मेंटेड हो जाएगा फर्मेंटन होने के बाद वो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सो so, जो जो एप्पल जूस है स्पेशली यूज फॉर अल्कोहलिक प्रोडक्शन बाय बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो बैरल हैं वो क्या है पार्शली फिल्ड द फर्मेंटेड जूस बैरल जो हम जो जैसे ये ओक वुड के होते हैं मोस्टली उसको हमने क्या क्या है फिल कर देना है किससे फर्मेंटेड जूस से और इसको आ, प्रोसेस जो एस्टिफिकेशन की इसमें चलती रहेगी तो विनेगर बैक्टीरिया फूड इज सप्लीमेंटेड विद द प्रीवियस बैच ऑफ विनेगर जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो जिस तरह से जाग लगाना है ना ऑलरेडी जो विनेगर के बैक्टीरिया है इसमें हमने डाल देने हैं तो जो, फिल्म ऑफ विनेगर बैक्टीरिया कार्ड द मदर ऑफ़ विनेगर जैसे अ, मदर ऑफ़ विनेगर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनोकुलम है उससे हमने जो है मल्टीप्लाई uh, करने हैं बैक्टीरिया इनसाइड द फर्मेंटर सो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें आप दे, देखिए जो एग्जॉस्ट है वहाँ पे रॉ विनेगर फ्रॉम प्रीवियस लॉट से बाहर निकल रहा है फीड लाइन है स्पार्जर है वुड शेविंग्स हैं अंदर पड़ी हुई कूलिंग कॉइल्स हैं कनेक्टिंग चैम्बर है ड्राफ कॉक है कॉन्सेंट्रेट बीम है ये है हाउ टू प्रोड्यूस द विनेगर ये जो प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है इसके स्लो प्रोसेस के बाद जो ये सेकेंड प्रोसेस है उसके उसकी डिटेल्स हैं कि हमने किस तरह से विनेगर को सेकेंड प्रोसेस से हमने बनाना है तो सेकंड प्रोसेस स्लो प्रोसेस आपको समझ आ आगे होगी कि बैरल्स में हमने क्या है जूस फिल करके रख देना है उसको मूव नहीं करना दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द कन्वर्टेड इनटू विनेगर सो so, क्विक प्रोसेस जो है क्विक को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच ऑर्लिंस या फिर प्रोसेस बोलते हैं क्विक प्रोसेस में क्या है कि हमने जो है वन फोर्थ बैरल जो है उसको हमने फिल कर देना विनेगर से रॉ विनेगर से रॉ विनेगर कहाँ से आना है जो ऑलरेडी विनेगर जो है बना हुआ है उससे हमने रॉ विनेगर लेना है तो हमने इस बैरल को आप जो आप देख रहे हो इसको हमने वन फोर्थ किससे फिल कर देना है इससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विनेगर से सो so, विद एक्टिव विनेगर बैक्टीरिया इसके अंदर हमने ऑलरेडी इसके अंदर क्या होंगे विनेगर बैक्टीरिया होंगे तो दिस इज टू बी एस्टिफाइड सो एज टू चेक क्या चेक करना हम कंप्यूटिंग माइक्रोस नाउ द बैरल इज फिल्ड विद द अल्कोहलिक हाइड्रोलाइज अप टू दाफ फिल्ड द कीफवाच अब जो इस बैरल में हमने क्या है अल्कोहल फिल कर देना है अल्कोहल फिल करने के बाद अल्कोहलिक हाइड्रोलाइज फिल करने के बाद हाफ फिल करने के बाद हमने देखना है कि बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहे हैं फिल्म बना रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड और नो नहीं तो, तो जो ये प्रोसेस है ये कितना एक हफ्ते से कई महीने भी लेती हैं जैसे ट्वेंटी वन से ट्वेंटी नाइन डिग्री पे हमने इस प्रोसेस को चलते चलते रहना है सो द रिकवरी जो है उसको हमने Uh, जब ये विनेगर हमें स्मेल आने शुरू हो गए उसको हमने रिकवर करना है और रिकवरिंग के लिए हमने क्या करना है uh, जो मेजर डिफिकल्टी है इस प्रोसेस में वो ये होती है कि जो जलेटिनस फिल्म होती है विनेगर बैक्टीरिया की वो उसकी वो जब टूटना शुरू हो जाती है तो उससे क्या होएगा uh, जो विनेगर है एस्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो स्लो uh, होनी शुरू हो जाती है तो इसमें ये जो प्रोसेस है उसको हम जनरेटर प्रोसेस भी बोलते हैं जनरेटर प्रोसेस में क्या होता है कि जो इथेनॉल की मूवमेंट होती है

Uh, जो इस वुड में है द स्लाइम्स ऑफ विनेगर बैक्टीरिया मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिफोर विनेगर प्रोडक्शन इसमें विनेगर का ऑलरेडी हमने क्या है कल्चर डाल देना है तो बिगनिंग ऑफ द मिडल सेक्शन ऑफ द टैंक क्या है इस फिल्ड विद द रॉ विनेगर एंड द कंटेन्ड एक्टिव विनेगर बैक्टीरिया सो नाकोलेट द शेविंग्स विद द डिज़ायर्ड बैक्टीरिया हमने साथ में वुड शेविंग्स भी इसमें डाल देनी है नाकुलेटिंग बैक्टीरिया के साथ Uh, जो कि है एंड अल्कोहलिक लिक्विड जो है अस्टिफाइड हो जाएगा विद द विनेगर इज स्लोली ट्रिकल थ्रू द जनरेटर टू बिल्ड अप द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन टू द शेविंग्स एंड देन इट इज रिसर्कुलेटेड सो जो फ्रिंज uh, जनरेटर है जो रिकमेंड फॉर द विनेगर प्रोडक्शन है विच कंटेनर लार्ज लंडिकल एयर टाइट टैंक जो होता है इसमें तो इसको टैंक भी बोलते हैं जिसमें कि हमने क्या है भी बोलते है, स्प्रिंकलर भी बोलते है। तो जो कूलिंग क्वाइर्स है वो लोअर पार्ट ऑफ द मिडल एक्शन में जो होती हैं कूलिंग क्वायर्स होती हैं ये कूलिंग क्वायर्स होती हैं लोअर नीचे वाले पोर्शन में और द री सर्कुलेशन ऑफ द विनेगर इज़ डन फ्रॉम द बॉटम कलेक्शन नीचे बॉटम कलेक्शन चैम्बर है वहाँ से हम इसको विनेगर को निकालते हैं तो जनरेटर गिव अ हाई यील्ड ऑफ येस्टिक ये एसिड एंड लीव्स लिटल रेजिड्यू मतलब तो अल्कोहल कम रहती है बाकी सारा जो है हमने जो है यहाँ से विनेगर को निकाल लेना है सो so, इसमें डिफेक्ट मोस्टली क्या हो सकते हैं कि जब स्टोरिंग होती है उसमें कई बार जब ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस हो रही है तो आयरन और फेरिक्वाइंस है वो फेरेस्ंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो टैनिज है फॉस्फेट्स हैं प्रोटीन्स हैं उससे क्या होगा विनेगर हेज़ी हो जाता है मतलब वो क्लियर नहीं होता जबकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हेजी हो जाएगा ये क्या है इसकी एक ड्रॉबैक है इस प्रोसेस का सो आई थिंक दिस इज़ प्रोडक्शन ऑफ विनेगर इज़ क्लियर विद यू